नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और मेरे चैनल आओ चले में आप सभी का स्वागत है। तो प्रस्तुत हूं मैं दृष्टिकोण पुस्तक, जो कि जेफ किलर जी ने लिखी है, इसके चैप्टर नंबर 11 के साथ। अगर आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट करें और उन्हें सुने। आपको बहुत कुछ चेंज महसूस होगा और अच्छा लगेगा इन्हें सुनकर, जीवन में एक नया दृष्टिकोण आएगा। तो आज का चैप्टर है चैप्टर 11 और इसका टॉपिक है असफलता का स्वाद चखिए। तो शुरू करते हैं। हेनरी फोर्ड जी ने के अनुसार असफलता हमें ज़्यादा बुद्धिमानी से दोबारा शुरू करने का एक और अवसर देती है। वह 26 वर्षों तक अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान नहीं कर पाई। वह 25 बार काम की तलाश में गई। उसे 18 बार नौकरी से बाहर निकाला गया। उसे कभी कभी बिना खाना खाए जिंदा रहना पड़ा और अपनी कार तक में सोना पड़ा। आप शायद सोच रहे होंगे, अगर यह एक सफलता की किताब है तो मैं एक ऐसी महिला के बारे में क्यों इतनी नीरस बातें कर रहा हूँ जिसके जीवन में इतनी सारी असफलताएं थीं। मैं आपको बताऊंगा क्यों जिस असफलता के बारे में ऊपर वर्णन किया गया है वह बहुचर्चित टीवी टॉक शो की उद्घोषिका सैली जेसी रॉफेल हैं। आप देख सकते हैं कि असफलता भरी ठोकरों के बावजूद उसने अपने बचपन के सूचना प्रसारण के पेशे के सपने को छोड़ने से इनकार कर दिया। वह असफल होने के लिए तैयार थी और असफल होती रही जब तक कि वह सफल नहीं हो गई। सैली जेसी रॉफेल ने लाखों डॉलर कमाए और उसने एक लंबे अरसे तक सफल टीवी कैरियर का आनंद लिया। यह सब इसीलिए क्योंकि उसने वर्षों की असफलताओं के बावजूद अपनी सकारात्मक सोच को बनाए रखा। परंतु ऐसा क्यों होता है कि सैली जेसी रॉफेल जैसा कोई इंसान 26 सालों तक असफलता को धैर्यपूर्वक सहन करता रहे और आगे बढ़ता रहे? अगर आप पीछे मुड़कर अपने बचपन में झांक कर देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपने भी बार बार असफलता का सामना करने के साथ साथ बस मौन रहने का प्रदर्शन ही किया होगा। याद कीजिए कि आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा था। शायद आपने भी सीखने वाली बच्चों की साइकिल से शुरुआत की होगी जिसमें दोनों तरफ पहिए लगे होते हैं। साइकिल को सीधा रखने में आपने संघर्ष भी किया होगा। हो सकता है कि आप कई बार गिरे भी हों, आपको खरोच भी आई हो। उस समय आप असफलता का एक महत्वपूर्ण शुरुआती अध्याय सीख रहे थे। आपके साइकिल सीखने के दौरान हो सकता है कि आपके माता पिता चिल्लाकर आपको निर्देश भी दे रहे हों, आपका उत्साह वर्धन भी कर रहे हों और संतुलन बिगड़ने पर उन्होंने आपकी साइकिल थाम भी ली हो। आप डर गए होंगे, यही सोच रहे होंगे कि कब हमें सफलता मिलेगी और कब हम अपने डर से आज़ाद होकर साइकिल चलाएंगे। इसलिए आप रोज़ साइकिल चलाते थे और अंत में आपने साइकिल चलाने के हुनर में महारत हासिल कर ही ली। आपकी साइकिल सीखने की सफलता में किस चीज़ का योगदान था? निश्चित रूप से आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति का और आपके बार बार प्रयास करने का। आप उसमें डटे रहते, चाहे जितना भी समय लग जाता, इसने भी मदद की कि आप सफलता पाने के बारे में उत्साहित थे और इसीलिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। और अंत में हमें सकारात्मक प्रोत्साहन के प्रभाव को कम नहीं आंकना चाहिए। आपको हमेशा पता रहता था कि सफलता दिलाने के लिए आपके माता पिता आपके साथ हैं और आपकी मदद कर रहे हैं। एक 6 साल के बच्चे के रूप में साइकिल चलाना सीखते समय आप आशावादी, रोमांचित और चुनौती का सामना करने के लिए उत्सुक थे। आपने यह सोचकर इंतज़ार भी नहीं किया कि देखी जाएगी, बस आपको पता था कि मैं इसे सीख कर रहूँगा। अब आप कहेंगे, वह तो बहुत समय पहले की बात हो चुकी है, बीता हुआ कल और आने वाला कल। आइए परीक्षण करते हैं कि अधिकतर नवयुवक नए हुनर विकसित करने के लिए
किस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप कहेंगे कि वो आशावादी, रोमांचित और चुनौती का सामना करने के लिए उत्सुक होते हैं? हम सभी इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं और वह है नहीं। चलिए थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि उन्हें नया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सीखने को कहा गया था, या कंपनी में एक नया मुकाम हासिल करने को कहा गया। अधिकतर वयस्क क्या करेंगे? वे लोग इसको टालने का प्रयास करेंगे, वे लोग शिकायत करेंगे, वे आपको बताएंगे कि उन्हें यह क्यों नहीं करना चाहिए, वे लोग अपनी योग्यताओं पर शक करेंगे, वे लोग डरे हुए होंगे। परंतु क्या हुआ था उस 6 साल के बच्चे के साथ जो जीवन शक्ति और साहसिक सोच से भरा हुआ था? क्या वह बच्चा कुछ नया सीखने के बारे में डरते हुए और शिकायत करते हुए एक वयस्क बना था? वयस्क के रूप में हम में से अधिकतर लोगों को दूसरों की सोच के बारे में ज़्यादा चिंता होती है कि लोग हम पर हंसेंगे या हमारी आलोचना करेंगे। 6 साल की उम्र में हमें यह पता होता है कि हम साइकिल से गिरेंगे और फिर पुनः प्रयास करेंगे, तभी हम इसे सीख पाएंगे। साइकिल से गिरना हमारे लिए कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन बड़े होने पर हम गिरने में शर्म महसूस करने लगते हैं। जैसे कि मैंने पिछले अध्याय में बताया था कि किसी नई चीज़ के लिए प्रयास करना आपके लिए असुविधाजनक हो सकता है, यहाँ तक कि शायद डरावना भी। लेकिन ऐसा तभी होता है जब हम लक्ष्य से अपना ध्यान हटा लेते हैं। ऐसा करके हम अपने साथ अन्याय ही करते हैं। एक नया हुनर विकसित करने के लिए या एक उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य पर पहुंचने के लिए ज़रूरी है आप बस तैयार रहें, यहाँ तक कि अगर नकारात्मक राय मिलती है या आप मुंह के बल इधर उधर गिरते हैं तब भी। सफल लोगों ने अपने सफलता के मार्ग पर असफल होना सीखा होता है, जबकि उन्हें असफलता में कोई खास आनंद नहीं मिलता, फिर भी वो उसे अपनी विजय के मार्ग का एक आवश्यक अंग समझते हैं। आखिर किसी भी हुनर का महारथी बनने के लिए समय, प्रयास और अनुशासन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, और रास्ते में जो भी परेशानियां मिलें आपको उससे होकर गुजरने के लिए तैयार होने की ज़रूरत होती है। यही असफलताएं लाखों डॉलर देती हैं। एक व्यावसायिक बेसबॉल खिलाड़ी का ही उदाहरण लीजिए। जो खिलाड़ी 10 प्रयासों में से केवल 3 ही गेंद मार पाता है, वह 1 साल में लाखों डॉलर बनाते हुए अपने व्यवसाय के शिखर पर होता है। यह एक 70% असफलता की दर है, और जब वह गेंद नहीं मार पाता तो निसंदेह उसके प्रशंसक उसकी आलोचना करेंगे। अगर मैं आपसे सबसे अच्छे बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम पूछूं, तो आपके दिमाग में कौन आता है? मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोग माइकल जॉर्डन के बारे में सोचेंगे। मेरा भी मत उसी को जाता है। मैं आपको यह आंकड़ा बताना चाहूँगा। माइकल जॉर्डन ने अपने पेशे में 50% सफलता पाई थी। दूसरों शब्दों में उनको अपने पेशे में आधी बार असफलता मिली थी। जाहिर है यह सिद्धांत केवल खेलों तक ही सीमित नहीं है। हम लोगों को यह भी पता है कि शो बिजनेस के सितारे हमारे लिए कोई अजनबी नहीं हैं। बहुत सारे सितारे 10 या 15 साल लगाते हैं, सैकड़ों बार अस्वीकृति का सामना करते हैं इसके पहले कि वो अपने पेशे में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। बावजूद इसके सफलता पाने के पश्चात बॉक्स ऑफिस पर वे नहीं पिटेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। जर्रा सेनफील्ड ने कॉलेज से स्नातक करते ही अपना पहला कॉमेडी शो किया था। यह शो न्यूयॉर्क सिटी के एक कॉमेडी क्लब में था। शो के बारे में पूछने पर सेनफील्ड ने कहा, बहुत ही भयानक स्थिति थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह नियमित रूप से अपना प्रदर्शन करता रहा। उसने 5 साल तक कड़ी मेहनत की और फिर 1981 में उसे जॉनी कार्सन के साथ द टुनाइट शो में प्रदर्शन करने का मौका मिला। उस शो में उसे भारी सफलता मिली। संक्षेप में इन सभी लोगों ने यही अनुभव किया
की सफलता काफी हद तक टिके रहकर निरंतर प्रयास करते रहने का विषय है। अर्थात अगर आप प्रयास करते रहें, अपने अंदर विकास करते रहें और अपने रास्ते में तालमेल बिठाते रहें, तो सफलता निश्चित रूप से एक दिन आपके कदम चूमेगी। मैं आपको दो दोस्तों के बारे में बताना चाहता हूँ जिन्होंने मिलकर एक किताब लिखी जिसमें प्रेरणादायी कहानियों का संग्रह था। उन्होंने इसे किसी प्रकाशक से करीब 2 महीने के अंदर प्रकाशित करवाने की एक योजना बनाई। पहले प्रकाशक के पास वे लोग गए, उसने कहा नहीं। दूसरे प्रकाशक ने कहा नहीं। अगले प्रकाशक ने कहा नहीं। अगले 30 प्रकाशकों ने कहा नहीं। 3 साल तक 33 प्रकाशकों से अस्वीकृति मिलने के बाद आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने अपनी किताब एक और प्रकाशक को दी। 34वें प्रकाशक ने कहा हाँ, और 33 असफलताओं के बाद उस एक हाँ से चिकन सूप फॉर द सोल को एक शानदार सफलता मिली, जिसे जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसेन ने मिलकर लिखा था। अगर आप पिछले 10 सालों से किसी किताब की दुकान पर जाते रहे हैं, तो मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ कि आपने यह किताब जरूर देखी होगी। इस बात की काफ़ी संभावनाएं हैं कि आपने चिकन सूप श्रृंखला की कोई किताब पढ़ी भी हो। चिकन सूप फॉर द सोल श्रृंखला की 10 करोड़ से भी ज़्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसन ने स्वयं को बार बार असफल होने के लिए तैयार किया था और तब तक प्रयास करने का फैसला किया जब तक सफलता नहीं मिल जाती। किस चीज़ ने जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसन को 33 असफलताओं के दौरान जीवित रखा? उनकी सकारात्मक सोच ने। एक अच्छी सोच की क्या कीमत होती है? इन लोगों के मामले में करीब करोड़ों डॉलर या उससे भी कहीं ज़्यादा। सफलता रातों रात नहीं मिलती। दूसरा उदाहरण एक ऐसे आदमी का जिसने सालों तक असफलता को धैर्यपूर्वक सहन किया, वह है सिनेमा अभिनेता हैरिसन फोर्ड। 1960 के दशक के मध्य में फोर्ड ने अभिनय का काम शुरू किया। अभी उन्हें बस थोड़ी सी ही सफलता मिली थी कि अधिकारियों ने कहा, तुम्हारे अंदर अभिनेताओं वाले गुणों की कमी है। जब फोर्ड को अपने परिवार की मदद करने में मुश्किलें आने लगीं, तो उन्होंने अभिनय छोड़कर एक बढ़ई का काम करना शुरू कर दिया। फिर कुछ वर्षों के बाद लूसक ने उन्हें स्टार वार्स मूवी में हीरो बनाया और इस तरह से फोर्ड को एक प्रसिद्ध अभिनेता बनने का मार्ग मिल गया। तो असफलता का मतलब यह नहीं होता कि आप लाइन के अंत में पहुंच गए हैं और अब सफलता पाना असंभव है। सफलता केवल तब असंभव होती है जब आप प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन एक दृढ़ निश्चय के साथ किए जाने वाले प्रयासों को सफलता में परिवर्तित किया जा सकता है। निराश होकर कभी छोड़िए मत। 1990 के दशक की शुरुआत में एक मिडवेस्टर्न कंपनी का हमारे ऑफिस में हमारे भाषण कार्यक्रमों और हमारे उत्पादों एवं प्रकाशनों के बारे में जानकारी लेने के लिए फ़ोन आया। मैंने फ़ोन पर उनसे बात की और तुरंत उनको कुछ जानकारी भेज दी। फिर जब हमने उन्हें पुनः संपर्क करने के लिए फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में हम सोच रहे हैं और अभी हमने कोई निर्णय नहीं लिया है। शुरुआत में हम उन्हें हर सप्ताह फ़ोन करते थे, कोई बिक्री नहीं हुई। फिर हमने 1 महीने बाद फ़ोन किया, कोई बिक्री नहीं हुई। कई सालों तक हम उस आदमी को फ़ोन करते रहे। हम उन्हें तिमाही न्यूज़लेटर भेजते रहे, हमें हर बार असफलता ही मिली। लेकिन फिर 1998 की बसंत ऋतु में उस कंपनी के एक प्रतिनिधि ने हमारे ऑफिस में फ़ोन किया और मुझे अपनी एक सेल्स मीटिंग में प्रेरणादायी कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए कहा। जब मैं कंपनी के मालिक से व्यक्तिगत रूप में मिला, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपकी दृढ़ता से बहुत प्रभावित हुआ। आपके ऑफिस से कोई मुझे वर्षों तक फ़ोन करता रहा, परंतु उसने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। निश्चित रूप से हमें वर्षों तक असफलता मिलती रही, लेकिन जब वह बिक्री हमने पूरी की,
तो उसकी पूरी कीमत हमें मिल गई। महत्वपूर्ण प्रश्न, जब आपको मनचाहे परिणाम न मिल रहे हों या आप असफलताओं से हतोत्साहित हो गए हों, तो अपने आप से इन प्रश्नों को पूछिए। क्या मेरे पास सफलता का कार्यक्रम है? हो सकता है अपने कुछ कदमों की अनदेखी करके बहुत ही जल्दी एक बड़ी सफलता की उम्मीद की हो। सामान्य रूप से सफलता एक बार में एक ही सीढ़ी चढ़कर मिलती है, परंतु हमें यह नहीं पता होता है कि उस सीढ़ी तक पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा। इसलिए अपने अंदर धैर्य रखिए। आप दूसरों से तेज भी आगे बढ़ सकते हैं और धीमे भी। एक अच्छी सकारात्मक सोच बनाए रखिए, कदम बढ़ाइए, तालमेल बैठाइए, परिणाम जरूर आएंगे। क्या मैंने वास्तव में दृढ़ निश्चय किया है? क्या आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने की आग जैसी चाहत है? यह बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ भी करना पड़े के लिए तैयार हों और अपने लक्ष्य को पूरा करने के पहले उसे छोड़ देने के किसी भी विचार को अपने अंदर से पूरी तरह से निकाल दें। आप जिस काम से प्यार करते हैं उसके लिए दृढ़ निश्चय करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए उन लक्ष्यों का पीछा करिए जिसे आप दिल से चाहते हैं और उसे छोड़ने के किसी भी विचार को अपने अंदर आने मत दीजिए। क्या मेरे पास बहुत सारे हतोत्साहित करने वाले कारण हैं? असफलता वाले परिणाम निराशाजनक हो सकते हैं, इसलिए हमें ऐसे लोगों के साथ रहने की ज़रूरत है जो हमें सहारा दें और हमारे अंदर विश्वास जगाते रहें। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा आलोचना करते रहते हैं या जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही छोटी चीज़ें पाई हों, तो आपकी ऊर्जा और उत्साह बेकार हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाइए जो आपको उत्साहित करते हों और सफलता की दिशा में आपका मार्गदर्शन करते हों। क्या मैं सफल होने के लिए तैयार हूँ? किसी भी प्रयास की सफलता के लिए पूरी तैयारी की ज़रूरत होती है। क्या आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी हर एक चीज़ को सीखने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं? कहने का मतलब है कि क्या आप किताबें पढ़ रहे हैं और अपने क्षेत्र के सफल लोगों का अनुसरण करते हुए हमेशा अपने हुनर का विकास करते हैं? जिन लोगों को असफल नतीजे मिलते हैं वो अक्सर वही पुरानी चीज़ें बिना किसी तालमेल के बार बार दोहराते रहते हैं। इसलिए एक विद्यार्थी बनिए, इस सच्चाई को स्वीकार करिए कि आप पहले से ही सब कुछ नहीं जानते और उन संसाधनों को ढूंढिए जिनसे आप अपने मार्ग पर बने रहें और आगे बढ़ते रहें। क्या मैं वास्तव में असफल होने के लिए तैयार हूँ? बस डट कर सामना कीजिए, क्योंकि असफलता से बचा नहीं जा सकता। सफलता मिलने से पहले आपको हार का सामना करना ही पड़ेगा। हम लोग दिल से जानते हैं कि असफलताओं से ही हमें सफलता मिलती है। विकास के लिए असफलता बहुत ही ज़रूरी है। आपको चारों तरफ असफलता दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि यह तो सफल होने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। असफलता से अगर आपको डर नहीं लगता तो इसका मतलब आप सफलता के मार्ग पर पहले से ही हैं। असफलता को सफलता में बदलना। असफलता से कभी अपना मुंह मत मोड़िए, क्योंकि इस तरह का रवैया यह सुनिश्चित करता है कि वास्तव में आप कोई जोखिम नहीं उठाएंगे और जीवन में बस छोटी छोटी चीज़ें ही प्राप्त करेंगे। जैसा कि बेवरली सिलस ने कहा था, असफलता से आपको अस्थायी निराशा मिल सकती है, लेकिन अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो आपकी असफलता पूर्णतः सुनिश्चित है। याद रखिए, हर बार आपकी बिक्री नहीं होगी और हर एक निवेश से आप धन भी नहीं बनाएंगे। यहाँ तक कि अत्यधिक सफल लोगों के लिए भी जिंदगी जीत और हार की एक श्रृंखला होती है। विजेता यह जानते हैं कि जिंदगी में चलने के पहले घुटने के बल भी चलना पड़ता है और तेज़ दौड़ने के पहले धीरे धीरे चलना पड़ता है। और हर एक नए लक्ष्य में नई तरह की असफलताएं होती हैं। यह तो पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है
कि आप उन निराशाओं को बाधा के रूप में देखकर हिम्मत हारकर बैठ जाते हैं या फिर प्रयास करते रहते हैं। अगर आप अपनी हर असफलता से कुछ न कुछ सीखने की आदत बना लेते हैं और अपने अंतिम परिणाम पर केंद्रित रहते हैं, तो याद रखिए, आपकी वही असफलता अंत में आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाकर रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, जो कि होगा चैप्टर नंबर 12 और उसका टॉपिक होगा स्वयं का नेटवर्क बनाएं। तो अगर आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो प्लीज़ चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए, और आज का चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगले चैप्टर में।